फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो मेरे साथ बहुत ही अच्छी मेरी सब्सक्राइबर जुड़ गई है श्याम मंदिर में, और ये आज मैं जहाँ भी जा रही हूँ वहाँ पे ये मेरे साथ मिल रही है। पता नहीं सुहाग ही कह सकते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है मुझसे मिल के? अच्छा लगा दीदी आपसे मिल के। अब मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं फ्रेंड्स आप सभी को। इस समय मैं हूँ देवरिया के श्याम मंदिर में, और 7 सितंबर का जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ है, और मुझे तो यहाँ पे आकर काफ़ी अच्छा लग रहा है, बाबा का दर्शन भी। और मैं आज इस मंदिर की पूरी, और मुझे तब तक नटखट कान्हा देखिए इससे मिलते हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा नटखट कान्हा भी है, और बहुत ही अच्छा लगा इससे मिल के। और आइए मैं आपको और भी दिखाती हूँ। ये देखिए चारों तरफ मंदिर में काफ़ी भीड़ है, और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, यहाँ पे व्यवस्था काफ़ी अच्छी लगी मुझे। भीड़ तो है लेकिन कोई ज़्यादा लोगों को परेशानी नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आगे लोग लगे हुए हैं दर्शन कराने के लिए। और ये देखिए कान्हा का, और मैं आपको पीछे से भी दिखा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर मंदिर में जहाँ भी नज़र जाती है लोग ही लोग दिख रहे हैं। और आगे मैं अभी आपको ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत सजा हुआ है वो भी दिखाऊँगी। और ये देखिए बाबा का दर्शन कीजिए आप सभी, और प्रेम से बोलिए जय हो खाटू नरेश की। तो आइए ये देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा मंदिर काफ़ी खूबसूरत लग रहा था इसको, मैं मुझे तो ये यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी कभी आपको मौका मिले, अगर आप देवरिया के हैं तो आप तो देखे ही होंगे, अगर नहीं देवरिया के हैं कभी भी आपको देवरिया आते हैं तो एक बार इस मंदिर में आकर ज़रूर दर्शन करें। काफ़ी अच्छा मंदिर है देवरिया का, बहुत ही फेमस मंदिर है। और एक बार और बाबा का दर्शन करें आप सब, और कैसा लगा आप दर्शन करके ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग। और आगे ये देखिए श्री कृष्ण राधा जी के भी दर्शन करिए। ये श्याम मंदिर जाने में आगे ही इनका पंडाल था, और जैसा मैंने कहा एक मंदिर और, मैं सत्यनारायण मंदिर का भी आपको दर्शन करा रही हूँ। ये देखिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे मंदिर सजा हुआ है, और भगवान की जो झांकी होती है कृष्ण कन्हैयालाल की। और ये देखिए सत्यनारायण मंदिर में भगवान का श्रृंगार काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ये देखिए कान्हा का झूला भी, और ये मंदिर भी काफ़ी सजा हुआ है। मंदिर है तो छोटा लेकिन बहुत सुंदर लगता है, छोटा ही मंदिर है लेकिन फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा लगता है। और ये देखिए मंदिर के बाहर से मैं आपको दिखा रही हूँ। आई होप आप सबको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आ रहा हो, और आगे मैं आपको और भी मंदिरों की शेयर कराने वाली हूँ, और आप लाइव वीडियो भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं इन मंदिरों का। और बाहर से ये देखिए मंदिर का कुछ नज़ारा कुछ इस तरह से है, बहुत खूबसूरत ये भी मंदिर है। और ये स्टेशन रोड पे ही पड़ता है देवरिया के उसी। और ये देखिए यहाँ पे बाब को बैठ कर देवता का बहुत बड़ा विशाल है, यहाँ बाहर भी ये मंदिर का बना हुआ है। और आगे मैं जल्द ही आपके साथ तिरुपति बालाजी मंदिर में बहुत सारे लोगों से मिली वो भी शेयर करने वाली हूँ। तो इस अगर ये छोटा सा कवरेज आप सबको पसंद आई हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और ये वीडियो पसंद आ रहा हो और ऐसे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जल्दी नेक्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।